हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों गुड मॉर्निंग बोलते हैं, चलते हैं फटाफट के अंदाज में दिखाते हैं, क्योंकि जौनपुर सिटी से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर नपड़ो मार्केट के जस्ट बगल में एक गोरियापुर गांव है। सांप तो कहीं से भी आ जाते हैं, हालांकि इंसान के साथ साथ खतरा हमेशा बना रहता है ज़िंदगी में। लिए दोस्तों तो इसमें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको, नज़रें जमाए रखिएगा, फटाफट अंदाज में दिखाते हैं, क्योंकि जब से जीवन मिला है तभी से मौत हमारी पीछा कर रही है। आइए प्लीज़ कम ऑन, नज़रें जमाए रखिए। दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पर इंसान रहता है अपना आसियाना बना के रखता है। ये एक छोटी सी झोपड़ी है, टूटी सी भी है, और इसमें काफ़ी सामान वामान रखा गया है। यानी कि हमारे गांव के लोग जैसे भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, अपना आसियाना बना के रखते हैं। तो कभी कभी स्थितियाँ बहुत अच्छी भी होती हैं और कभी कभी थोड़ा सा उमिस भी चलता है। ये दिखा दें सांप कहाँ है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, टूटी सी झोपड़ी है और जहाँ पर ये सब रहता है सांप वहीं पर आता है, कभी कभी भोजन की तलाश में और कभी कभी तो बारिश से बचने के लिए, यानी कि छिपने के लिए। अब दोस्तों आपके सामने ठीक ठंडक का महीना आने वाला है, तो ऐसे में सांप हमारे आपके घरों में घुसते रहते हैं। अब सर का कहना है कि इसी के नीचे है सांप वो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये विश्वास नहीं होता कि सांप कहीं से भी आ सकते हैं। तो आप दोस्तों ये इसको देख करके ऐसा लगता है कि इसी को इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहते हैं। दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में इसको नाग भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको फिटार के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम इसे थोड़ा बाहर निकालते हैं। दोस्तों आप देखिए, भागने की कोशिश करें, कहीं नहीं, आप कहाँ जाएगा वाक्य। तो दोस्तों ये न्यूरोटॉक्सिस का वेनमस स्नेक, इसके बाइट करने पर, यानी कि जब भी चोंक चाक होगा, छेड़छाड़ होगा, तभी जा करके बाइट ये करता है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, जब भी इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तभी जा करके ये खतरा होगा। तो चलिए हम इसे बाहर थोड़ा सा निकालते हैं। कोडिका हो दीजिएगा। तो दोस्तों इसी को इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, इसी को नाग, बहुत सारे इसके नाम हैं। हालांकि अभी ये केचुल में है और ये न्यूरोटॉक्सिस का वेनमस स्नेक है, यह इंटरनेशनल जीव है और इसके बाइट करने पर इंसान की मृत्यु हो सकती है अगर इलाज नहीं हुआ तो। अब ये बच्चा है ना? हाँ सर, लेकिन काम सच्चा वाला करता है। बहुत खतरनाक है जी। तो दोस्तों अभी ये केचुल नहीं उतारा है, तो चलिए इसको हम पैक करते हैं, फिर लेके चलते हैं जंगल की तरफ, रिलीज करते हैं। और ये बेजुबान है, इसको बचाना अपना परम कर्तव्य है। तो दोस्तों ये न्यूरोटॉक्सिस का वेनमस स्नेक है, इसी के बाइट करने पर इंसान की मृत्यु भी होती है और इसी के वेनम से एंटी वेनम तैयार होता है। तो आपका ये परम कर्तव्य है कि ऐसे बेजुबानों को आप भी बचाइए। चलिए इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होती हुई इसे हम डिब्बे में पैक कर देते हैं और फिर जंगल की तरफ रिलीज करते हैं। ठीक है सर, इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। इसके काटने पर कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है। उससे ज़्यादा क्या हो? तब हो रहा है। स्थाई नहीं रहते। नहीं नहीं कुछ नहीं। दोस्तों अभी केचुल में है, यानी कि केचुली उतारने वाला है ये। मारे ना, केवल एक मिनट, इसमें ऑक्सीजन के लिए बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसी को गांव में लोग नागिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको देखते हैं जब ये दुबला पतला रहता है तो इसका एक अलग से नाम दे देते हैं कि ये नागिन है। और फिर कुछ लोगों का कहना रहता है कभी नाग भी यहाँ पर होगा। हालाँकि जहाँ पर कोबरा सांप रहता है वहाँ जोड़े भी रहते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें ऑक्सीजन के लिए बना चुके हैं, तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, बाय।